हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुलशन का किचन। और आज मैं अपनी किचन में आप सभी के साथ में मटन टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि इसको अगर आप एक बार इस बकरीद के मौके पर बना लेंगे तो आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, झटपट से बन जाती है, चटकारेदार होती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मटन, जो कि मैंने लिया है 400 ग्राम, जिसके मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस में इनको कट कर लिया है। आप यहाँ पर बोनलेस मटन लीजिए, मैंने भी यहाँ पर बोनलेस मटन लेकर के रखा है। और कोशिश करें कि ये जो गोश है ना वो रूखा ही लें, अगर चिकना होगा तो ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे आपके टिक्के, तो इसलिए रूखा अगर आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मुझे यहाँ पर रूखा नहीं मिल पाया है एकदम से, तो थोड़ा सा इसमें चिकना मिक्स है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। एक कुकर ले लेते हैं और इस कुकर में हमने जो मटन के पीसेस थे जिनको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है वो अब इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करने से क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा इनको कुक नहीं करना पड़ता है। तो इसमें डालने के बाद में इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही नमक इसमें ऐड करेंगे। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर दही ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इस तरीके से फेंट लें अच्छे से, दही जो है ना वो गाढ़ा होना चाहिए। ये दही इसमें डाल देंगे। 2 चाय के चम्मच मैंने दही लिया है इसमें, तो ये थोड़ा सा और है वो भी डाल देंगे। तो ये दही डाल देंगे अच्छे से इसमें, और इसमें हम 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 3 टेबल स्पून पानी लिया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है। तो 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून इसमें पानी डाल दीजिए आप। इसके बाद इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको हम रख देंगे गैस पर। 3 सीटी हम तेज़ आँच पर ले लेंगे, उसके बाद हम करीब इसमें 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। यानी कि ये जो गोश है ना वो 80% तक गला हुआ होना चाहिए, 70 से 80% तक। तो अब हम गोश को चेक कर लेते हैं। छोटे छोटे से पीसेस थे तो इसलिए बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाएगा। तो ये देखिए पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी गोश ने छोड़ा है, दही था, दही का भी पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। गैस को ऑन कर लेंगे और ये जो पानी है इसको हम इस तरीके से चलाते हुए खुश्क कर लेंगे। तो तेज़ आंच पर फटाफट से इसको हम पानी जो है ना इसको खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए पानी जो है ना अच्छे से खुश्क हो गया, हल्का सा गीला गीला सा है ये, बस इतना ही हमें चाहिए। एकदम से ड्राई नहीं करना इनको, बस इन पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा गीला रहेगा तो मसाले की जब हम कोडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें कोडिंग होगी, और एकदम ड्राई हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी कोडिंग करने में। तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच दही है इसको मैंने फेंट लिया है, डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें कुछ मसाले हैं, जैसे कि 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर है और 1/2 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही गरम मसाला लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है हाथ से, जिसको हल्का सा क्रश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। ये सारी ही चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लीजिए, जितना आपको तीखा पसंद हो। और यहाँ पर 1/2 मैंने लेमन जूस ले लिया है, वो डाल देंगे इसमें। बड़े साइज़ का था तो इसलिए 1/2 लिया है, और छोटे साइज़ का हो तो आप 1 डाल लें। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैं डाल देती हूँ चावल का आटा, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। इन दोनों ही चीज़ों से बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होगी, बहुत क्रिस्पी हमारे टिक्के बन करके तैयार होंगे। तो ये डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच से मिक्स कर लीजिए या फिर हाथ से चाहें तो हाथ से इसको मिक्स कर लीजिए। तो फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे, आप देखेंगे कितने अच्छे से इसमें मसाले की कोडिंग हो गई है, क्योंकि हमने जो गोश्त था वो अच्छे से खुश्क नहीं किया था, हल्का सा इसको थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छे से खुश्क मसाले जो है ना उनके ऊपर कोडिंग हो गई है। तो अब चलते हैं, इसमें मैं धनिया पाउडर और डाल देती हूँ, जो कि मैं भूल गई थी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर इसमें डाल दिया है, वो डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो बस इसको हमें रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, फटाफट से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल डाल दिया है, डीप फ्राई नहीं करूँगी मैं शैलो फ्राई इसको कर रही हूँ। तो करीब 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाला है और तेल हमारा जैसे ही अच्छे से गर्म होगा उसमें ये जो टिक्के हमने बना करके रखे हैं वो इस तरीके से एक एक टिक्का इस तरीके से डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर। तो ये देखिए इस तरह से सारे टिक्के डाल देंगे इसमें हम अलग अलग करके, और गैस की जो फ्लेम है उसको लो करेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई होना है करना है, तो इसलिए इसको हम लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं धीमी आंच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि गोश्त जो है ना वो हमारा अच्छे से गला हुआ है 70% तक, और इसको हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा, साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन टुकड़ों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इनको हम एक साइड से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और जब इनका कलर नीचे से अच्छे से आ जाएगा तब हम इन पीसेस को इस तरह से पलट देंगे। ये पीसेस जो है ना वो नीचे चिपक जाते हैं, तो इनको हल्का सा इस तरीके से करके इनको पलट दीजिए, और सारे टिक्कों को इसी तरीके से पलट दीजिए, और नीचे साइड से भी इनको एक अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स ये टिक्के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, इनको आप नींबू के साथ में सर्व करें, लच्छा प्याज के साथ में सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और इन टिक्कों को आप मटन के टिक्कों के साथ में बनाएं, या फिर ये टिक्के आप बीफ के साथ में भी बना सकती हैं। सेम मेथड से आप बीफ का गोश्त ले लीजिए और सेम मेथड से आप इनको बना सकती हैं। तो ये टिक्के जो है ना हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर, और आप देख सकते हैं कितना शानदार इनका कलर आया है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये टिक्के। तो आप चलिए कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। तो यहाँ पर नींबू रख देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है नींबू इसके ऊपर डाल करके खाएंगे, और प्याज जिसके बगैर टिक्के जो हैं वो अधूरे हैं, तो लच्छा प्याज इसके ऊपर रख लेंगे हम। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे मटन टिक्का बोटी बनकर के तैयार हो गई है, और इस बकरीद के मौके पर इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट से बन जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, और सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमें घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हमारी ये बोटी बनकर के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।